सुते सुतीर्थ्याय देवदेवाय वहुहसे शिवशंकर आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी भक्ति पुनः प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हो गया भोलेनाथ। आप वास्तव में भक्त वत्सल शुक्राचार्य, तुम्हारी एकनिष्ठ और अखंड तपस्या से हम प्रसन्न हैं। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? भोलेनाथ, आपके अलौकिक स्वरूप के दर्शन के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भोलेनाथ, अब आप मुझे अपनी अमिट भक्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारे तर्क संगत उत्तर से हम प्रसन्न हुए शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या के सिद्धि के अतिरिक्त हम तुम्हें प्रजेश, धनेश एवं अवध्य का वरदान देने के साथ ही अपनी अमिट भक्ति प्रदान करते हैं। तुम दैत्य गुरु के रूप में अमर कीर्तिवान बनो। भोलेनाथ, दया के सागर कृपा निधान, तुम्हारा कल्याण। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले प्राणियों के लिए मैं संहार, मैं ओंकार। शुभ प्रयास असफल होने पर शुक्राचार्य की कार्य समर्पण भावना से प्रसन्न भोलेनाथ उन्हें मृत संजीवनी विद्या पुनः प्रदान करते हैं। उधर इंद्र के वज्र प्रहार से आहत होकर महासुर अन्य असुरों के साथ शुक्राचार्य आश्रम में गिरता है। मन के आंतरिक द्वंद के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत दैत्यों को पुनः जीवित करने के लिए मृत संजीवनी के प्रयोग का निश्चय करते हैं। संजीवनी विद्या के प्रयोग से जीवित महासुर महाअसुर सेना एकत्र करने का संकल्प करता है। प्रसन्न असुर सैनिकों ने शुक्राचार्य और दैत्यराज महासुर के नाम का जय घोष किया। जय घोष स्वर सुनकर ध्यानस्थ शिव ने रोज से आंखें खोलकर शुक्राचार्य को पुकारा। शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। नमः शिवाय। शुक्राचार्य, हमारे इतने समझाने पर भी तुमने दैत्यों के प्रति अपना पक्षपात नहीं छोड़ा। हमारे द्वारा प्रदान मृत संजीवनी विद्या से मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर उनमें युद्धोन्माद जगाया और मृत देवताओं को यूं ही छोड़ दिया। मैं दुविधा में पड़ गया था भोलेनाथ। दुविधा? कैसी दुविधा? कर्म विमुख हो जाने की दुविधा।
यदि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत दैत्य को जीवित करने का कर्म न करता तो। शुक्राचार्य, तुमने पहले भी कई बार इस उदाहरण का उल्लेख किया है। ये उदाहरण शुक्राचार्य के कर्मों का विधान है देवदेव। नहीं, ये उदाहरण की दैत्य गुरु दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम्हारा कर्म किंतु देव गुरु बृहस्पति के साथ मित्रता की सौगंध लेने के उपरांत तुम्हारे नए कर्तव्यों का विधान निश्चित हो गया था। भोलेनाथ, शुक्राचार्य, तुमने अपने मित्र बृहस्पति के प्रति ही नहीं हमारे प्रति भी विश्वासघात किया है। नहीं नहीं भोलेनाथ, उस मित्रता के साक्षी हम स्वयं थे। हमारे सामने ही तुमने बृहस्पति को हृदय से लगाकर अटूट मित्रता के लिए हमारी ही सौगंध खाई। निसंदेह भोलेनाथ, मुझसे भयानक अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। नहीं, मित्र से विश्वासघात एवं हमारी असत्य सौगंध लेने के लिए तो हम एक बार तुम्हें क्षमा कर भी देते, किंतु मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर तुमने शिव भक्त होने का अधिकार भी खो दिया है। जाएं, सिद्धि विहीन अपने असुरों के पास जाएं। नहीं भोलेनाथ, नहीं, मुझसे मृत संजीवनी सिद्धि न छीने, अन्यथा मैं निर्बल होकर रह जाऊंगा। तुम्हारे जैसे विश्वासघाती पर निर्बलता ही भली लगेगी शुक्राचार्य। यह अपराध मुझसे अज्ञानवश हुआ है भोलेनाथ। नहीं शुक्राचार्य, नहीं, तुम तर्क के ज्ञाता विद्वान, यह अपराध तुमने अज्ञानवश नहीं किया, अपितु अपने अपराध को आवरण में लपेटने के लिए तुमने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भोलेनाथ, मुझ पर दया करें। नहीं, तुम्हारे इन दुष्कर्मों पर दया की कोई संभावना नहीं है। कृपा निधान, क्षमा करना आपका स्वभाव है, एक बार मेरी दुष्टता को क्षमा करें, मैं हृदय से सच्चा शिव भक्त हूँ। शुक्राचार्य, हम स्वयं अपने वचन असत्य नहीं कर सकते, किंतु यदि तुम्हारे मन में शिव भक्ति शेष है तो जाओ धूम्र तप करो, धूम्र तप के पश्चात ही तुम्हें हमारी कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रणाम। नारद, नारद, अदृश्य रूप में तुम जो समाचार लेकर कैलाश पर उपस्थित हुए थे उसका परिणाम तुमने स्वयं देख लिया। अब कोई अन्य जिज्ञासा शेष है? नहीं भोलेनाथ, आपके एवं माता पार्वती के दर्शनों से मेरी उपस्थिति सफल हुई। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। आपने उचित ही क्या स्वामी, शुक्राचार्य से मृत संजीवनी का अधिकार छीनकर आपने दैत्य शक्ति को विनाशक होने से बचा लिया। मैं आपसे कुछ कहना है। पधारें देवराज जी, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर समस्या का समाधान भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होता है। आप भी हमारे साथ शिव आराधना का आनंद लें। हर कार्य का एक समय होता है देवराज। शिव आराधना का कोई निर्धारित समय नहीं होता देवराज, उसमें तो हर क्षण हृदय को समर्पित रखना ही उचित। हम आपकी इंद्र सभा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप वहां नहीं पधारे तो विवश होकर हमें यहीं आना पड़ेगा। कहें देवराज, मैं आपसे कहने नहीं देता, आपको बताने आया हूं। क्या आपको ज्ञात है अपने परम मित्र के कुकृत्य? हमारा परम मित्र? हाँ, आपका परम मित्र और देवताओं का परम शक्ति
आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में बात कर रहे हैं। अच्छा है आपने परम शत्रु को पहचान तो लिया। क्या किया है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ये कहे देव गुरु की क्या नहीं किया। भगवान शिव से पुनः प्राप्त मृत संजीवनी का प्रयोग करके मृत असुरों को जीवित कर उनमें युद्धोन्माद जगाया है। अब असुर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने के इच्छुक। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवराज? मेरी बात तो आपको असत्य लगेगी, क्योंकि आप स्वर्ग की पराजय के मूल्य पर देव शत्रुओं से मित्रता की सौगंध जो ले रहे हैं। देवराज, आपने भी तो हमें यही परामर्श दिया था ना, कि असुरों की उद्दंडता को अनदेखा कर उनसे मित्रता करना। देवगुरु, क्या आपका वो परामर्श उचित था? असुरों से मित्रता की सौगंध तो आपने भगवान शिव के सामने ही ली थी। भोलेनाथ के न्याय की प्रतीक्षा करें देवराज। अब हमारे पास प्रतीक्षा का समय नहीं है देवगुरु। तो फिर ऐसी विषम परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आगे बढ़कर स्वर्ग की स्वतंत्रता के प्रति सिर उठाकर उत्तंड शक्तियों को कुचल के रख देंगे। नहीं देवराज, नहीं। क्यों? देवताओं की परम अजय शक्ति पर आपको विश्वास नहीं है देवगुरु? प्रश्न विश्वास का नहीं है देवराज, प्रश्न पुनरावृत्ति का है। आप भी वही करने जा रहे हैं जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किया है। शिव के प्रति उस अपराध की पुनरावृत्ति का परामर्श मैं नहीं दे सकता। आप भोलेनाथ के न्याय पर विश्वास रखें, वो जो कुछ भी करेंगे उसी में सबका हित छुपा है। हो सकता है ये भी उनकी महान लीला का एक अंग। गुरु नारायण नारायण। प्रणाम देव गुरु। अपने गुरु के सम्मुख ये सप्तम सुर का प्रयोग क्यों हो रहा है देवराज इंद्र? आपके इस आचरण से मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह हो रहा है। मेरी शिक्षा पर संदेह ना करें देवर्षि, मैं शिक्षा आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था। देवराज, मैं आश्रम में प्राप्त शिक्षा को पूर्ण शिक्षा नहीं मानता, क्योंकि आश्रम में प्राप्त शिक्षा ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती। अर्थात ज्ञान की शिक्षा कहीं अन्यत्र भी प्राप्त की जाती है। हाँ देवराज, आश्रम की शिक्षा तो ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, क्योंकि भाषा ज्ञान के बिना वेदों एवं शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हो सकता। अर्थात आश्रमों में मात्र भाषा ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। ये नई परिभाषा आप सुन रहे हैं देवगुरु? ये परिभाषा नई नहीं है देवराज, शाश्वत है। आप भी इसे ध्यान से सुने, संभवतः आपका कुछ कल्याण हो जाए। हाँ देवराज, वेद शास्त्रों एवं पुराणों की कठिन अभिव्यक्तियों को समझने के लिए आश्रम की शिक्षा उपयोगी मानी जा सकती है, किंतु किंतु क्या देवर्षि? किंतु ज्ञान का स्तर इससे ऊंचा है। अच्छा। हाँ देवराज इंद्र, ज्ञान प्राप्त करने के केवल दो ही उपाय हैं। पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य आंतरिक? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। कच, तुम विद्यार्थी हो इसलिए शीघ्र समझ जाओगे, परंतु देवराज इंद्र संभवतः समझ के बिना समझे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वाध्याय एवं सत्संग ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला एवं बाह्य उपाय है। चिंतन एवं मनन ये दूसरा एवं आंतरिक उपाय है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन एवं मनन? हाँ कच, किंतु दुर्भाग्य से हमारे देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के इन चारों उपायों का अभाव है। स्वाध्याय के लिए इनके पास समय नहीं है, और सत्संग के मध्य ये सप्तम सुर में पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद, देखा ना तुमने कच, ये पुनः सत्संग के मध्य सप्तम सुर में पहुंच गए। देवराज इंद्र, कृपया क्रोधित ना हो, अपने गुरु क्षणयंत्र के अतिरिक्त आप चिंतन करते ही कहाँ हैं? और रहा मनन, मनन तो आप वही करेंगे जो आपके भीतर है। अर्थात तो समझने का प्रयत्न न करें देवराज इंद्र, वो बहुत कटु है, संभवतः आप सुन न सके। मैं नहीं सुन सकूंगा तो ये सब तो सुन लेंगे। आपके तीक्ष्ण व्यंग बाणों से इनके हृदय को शीतलता तो मिलेगी। इन सब को सुनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र, ये सब आपके हृदय में समाई दुर्भावनाओं से भलीभांति परिचित है।
और रहा प्रश्न शीतलता का, सो शिव भक्ति के कारण इन सब का हृदय शीतल रहता ही है। देवर श्री नारायण, यदि आपका ये व्यंग सत्संग समाप्त हो गया हो तो मैं आपको अपने सप्तम सुर तक जाने का कारण बतलाऊं। नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। इतना महत्वपूर्ण विषय, इतना महत्वपूर्ण विषय अनावश्यक कैसे हो गया देवर्षि? वो इसलिए देवराज इंद्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुस्साहस से क्रुद्ध भगवान भोलेनाथ ने उनकी मृत संजीवनी की भी सभी सिद्धियां छीन ली है। देवर्षि नारद, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव आराधक है, क्या भोलेनाथ ने ये सिद्धियां सदैव के लिए छीन ली हैं? देव गुरु, भगवान भोलेनाथ का क्रोध तो सभी सिद्धियां सदा के लिए ही छीन लेता, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की क्षमा याचना पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धूम्र तप करने का परामर्श दिया। धूम्रतप? उसके सफल अनुष्ठान से वे उन्हें शिव कृपा प्राप्त कर सकेंगे। गुरुदेव, ये धूम्रतप क्या होता है? शुक्राचार्य को यज्ञ कुंड से धूम्र प्रकट करके तब तक उसका सेवन करना होगा जब तक भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो जाते। तपों में यह सर्वाधिक कठिन तप माना जाता है देवराज। ये तो शुभ अवसर है देव, अनायास ही हमें मनमांचित दिशा मिल गई। असुरों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए हमें किसी भी मूल्य पर इस तप को पूर्ण नहीं होने देना है। क्यों देवगुरु, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? हमें विचार करने का समय दे देवराज। ठीक है, आप इस आपत्ति का मूल्यांकन करते रहें और हम इस धूम्र तप को खंडित करने का उपाय सोचते हैं। मृत संजीवनी शक्ति आपसे छीन लेना शिव का आपके प्रति अन्याय है दैत्य गुरु। नहीं नहीं असुरराज, शिव किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, वो तो न्याय की मूर्ति है। किंतु ये न्याय नहीं है, हम इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। शिव की आज्ञा स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहता महासुर। प्रत्येक मार्ग हमारी भुजाओं की शक्ति में सुरक्षित है दैत्य गुरु, हम इसका विरोध करेंगे। महासुर, तुम्हें अपने इस विरोध को तब तक रोकना होगा जब तक मेरा धूम्र तप पूर्ण नहीं हो जाता। ये असंभव है, देव हमें निर्बल और आलसी पुकारेंगे, हम अपने अभियान को कदापि नहीं रोक सकते। महासुर, इतना उत्तेजित मत हो, अन्यथा तुम्हें शिव कोप का भागी बनना पड़ेगा। शिव सदैव दुष्ट देवताओं की सहायता क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बार बार पाताल पर आक्रमण नहीं करते, तुम स्वर्ग पर आक्रमण करके हिंसा उत्पन्न करते हो। और शिव शंकर को हिंसा प्रिय नहीं, वो तो प्रेम की आकांक्षी। सुनो महासुर, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मैं शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए धूम्र तप का प्रारंभ करूंगा, और जब तक मेरा ये तप पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम सब शांत रहो, कोई विरोध नहीं करो। ये मेरा विश्वास है और आदेश भी। यदि तुमने इसे नहीं माना तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? शुक्राचार्य का धूम्र तप खंडित करने के लिए मैं पुत्री जयंती को भेजूं? इसी में सबकी भलाई छुपी हुई है देवराज। नहीं देवगुरु नहीं, ये प्रस्ताव अनर्थकारी है, अपमानजनक है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। देवराज, कभी कभी हम जिसे अनर्थ व अपमान समझते हैं वही विधि के विधान से लोक कल्याण जनहित व धर्म से जुड़ा हुआ होता है। देवगुरु, मुझे दुख देने के अतिरिक्त आपके पास क्या कोई अन्य परामर्श नहीं है? देवराज, ये आपको दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं है। पिता के हृदय से पूछिए कि पुत्री को शत्रु के मुंह में धकेलना दुखपूर्ण है अथवा नहीं है। देवराज, आप जयंत और जयंती के पिता होने के पूर्व देवताओं के राजा भी हैं। आपकी प्रजा का प्रत्येक नागरिक आपके लिए जयंत और जयंती के समान ही है। समाज कल्याण,
लोकहित व जनहित के लिए एक राजा को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना आवश्यक। नहीं देवगुरु, नहीं, नहीं। ये असंभव है। पिताश्री, मैं स्वयं इस असंभव को संभव बनाने की इच्छुक। नहीं, मैं अपने स्वार्थ और स्वर्ग की सुरक्षा के लिए तुम्हारा जीवन संकट में नहीं डाल सकता। स्वर्ग की सुरक्षा, देवताओं के कल्याण एवं प्रजा के हित के सामने तो मेरा त्याग बहुत ही छोटा है पिताश्री। बुद्धि जैन, ये तो तुम्हारी भाषा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया। पिताश्री, आप देवगुरु पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो सदैव आपके हित के लिए चिंतित रहते हैं। गुरुदेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं स्वयं ही आपसे कह रही हूँ कि मुझे भेजकर आप स्वर्ग की चिंता से मुक्त हो जाइए। पुत्री जयंती, कह दिया ना नहीं? हम तुम्हें शत्रु के पास जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। देवगुरु, देवगुरु, क्या आप मेरी दुविधा को समझ पा रहे हैं? दुविधा? कैसी दुविधा? मेरी अंतरात्मा मुझे दैत्य गुरु के पास जाने के लिए कह रही है, किंतु पिताश्री, पिताश्री इसके विरुद्ध हैं। आप ही बताइए देवगुरु, मुझे क्या करना उचित होगा? पुत्री, प्रत्येक आत्मा में शिवांश होता है, अतः आत्मा का निर्देश स्वीकार करना ही उचित होता है। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं, किंतु इतना निश्चित कह सकता हूं, शिव इच्छा से तुम्हारा संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ ही होगा। इसके अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्राचार्य ने हमारे आदेश का सम्मान करते हुए धूम्रतप आरंभ कर दिया। किंतु स्वामी, शुक्राचार्य के साथ ये नारी स्वर किसका है? इंद्रपुत्री जयंती का। जयंती का? हाँ।
हाँ देवी, देवराज पुत्री, अपनी अंतरात्मा के स्वर का सम्मान एवं निर्देश पाकर शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। स्वामी, इस आश्चर्यजनक घटना का परिणाम क्या होगा? अब तो परिणाम जयंती के लिए मंगलकारी ही है। अर्थात? जयंती दैत्य गुरु का धूम्रतप खंडित कर देवताओं के कल्याण का उद्देश्य लेकर ही शुक्राचार्य के पास गए। तप खंडन? किंतु यहाँ तो सामूहिक तपस्या के स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, धूम्रतप को समर्पित शुक्राचार्य की एकनिष्ठ तपस्या को देख जयंती ने शुक्राचार्य के साथ जीवन भर निर्वाह करने का निश्चय किया है। अब देव दानव के मध्य संघर्ष की भावना समाप्त होकर नवीन संबंधों का प्रारंभ होगा। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, जिज्ञासा के वश मैं कुछ। नारद, तुम अपनी जिज्ञासा को लेकर सदैव क्षम्य ही। इस समय तुमने कैलाश आकर उचित ही किया, हमें तुम्हारे आगमन की ही प्रतीक्षा थी। भोलेनाथ, अपनी त्रुटि पर आपकी कृपा पाकर नारद धन्य हुआ। जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। तो क्या प्रभु मेरा कथन सत्य था? देवदानों के मध्य इस नए संबंध से क्या संघर्ष की भावना समाप्त हो जाएगी? ये भविष्य का प्रश्न है नारद, इसका उत्तर भी भविष्य ही देगा। परंतु इस समय तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि देवराज कुलनंदिनी जयंती एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध का परिणाम दूरगामी एवं प्रभावी होगा। तो क्या प्रभु? अवश्य नारद, शत्रु क्षेत्र में देवराज की पुत्री के आगमन से देव दानवों के संघर्ष की संभावना क्षीण ही। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। आश्चर्यजनक दृश्य आप देख रहे हैं देवराज। अपमानजनक परिस्थिति को स्वीकार करके ही हमने देव पुत्री जयंती को शुक्राचार्य का तप खंडित करने के लिए भेजा था। किंतु क्या देव गुरु बृहस्पति के समक्ष ये अपमानजनक स्थिति स्पष्ट नहीं थी? देव गुरु बृहस्पति, मुझे तो अब इनकी देव निष्ठा के प्रति संदेह होने लगा है। किंतु परंतु क्या कोई आवश्यकता नहीं है अग्निदेव? ये अपमानजनक दृश्य देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि देव गुरु बृहस्पति स्वयं को कोई सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सिद्धि प्राप्त करने के लोभ में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तब तो निश्चित ही चिंता का विषय है। हाँ अग्निदेव, और ये चिंता एक संकेत भी है। कैसा संकेत देवराज? यही कि भविष्य में हमें देव गुरु बृहस्पति पर आश्रित न होकर अपने बाहुबल पर विश्वास करना होगा। अपने बाहुबल पर, अन्यथा ये देव गुरु रूपी चिंता हमारी चिंता बन जाएगी। नारायण नारायण। स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति संपूर्ण समर्पित देव गुरु बृहस्पति के प्रति आपके संदेहजनक शब्द आपको शोभा नहीं देते देवराज इंद्र। अपनी शक्ति पर विश्वास करने के विरुद्ध में मैं नहीं, परंतु व्यर्थ की चिंता करना उचित नहीं। देवराज, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं देवराज इंद्र, नहीं। जहाँ युद्ध की संभावना समाप्त हो रही हो वहाँ चिंता का क्या स्थान? स्वयं देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि इस घटना का परिणाम शुभ ही होगा।
शुक्रासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्रुव तप्त समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कितने वर्षों से हम पाताल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब और अधिक संयम हम नहीं रख सकते। नहीं नहीं असुरराज, क्या आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश भूल गए हैं? पासुर, जो हम देख रहे हैं क्या वो तुम भी देख रहे हो? हाँ सुराज, देख तो मैं भी रहा हूँ। ये कन्या कौन है? विक्टासुर, अपने मूल रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो। असुर, आज्ञा असुरराज। हमने तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम के गुप्तचरी के लिए यहाँ नियुक्त किया था, क्या तुम नहीं जानते ये सुंदरी कौन है? जानता हूँ असुरराज, ये सुंदरी देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री जयंती है। इंद्र पुत्री जयंती, उसका यहाँ क्या काम? ये तो मैं नहीं जानता, किंतु दैत्य गुरु के धूम तप प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के बाद से ही ये निरंतर उनके साथ उन्हीं की तरह तप कर रही है। ये सूचना मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्षमा असुरराज, इस सुंदरी की उपस्थिति से मुझे किसी भी प्रकार दैत्य शक्ति और दैत्य गुरु की हानि की संभावना दिखाई नहीं पड़ी, इसीलिए। मूर्ख, ये सुंदरी कहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के तप को खंडित तो नहीं कर रही? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तप इतने समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा। मैं अभी इस सुंदरी को इसके दुस्साहस का दंड देता हूँ, उसके पश्चात तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। संदेश न भिजवा कर तुमने असुर जाति को इतनी प्रतीक्षा करवाई विक्टासुर। खैर ये असुरराज, इस सुंदरी की हत्या से पूर्व एक बार उचित अनुचित का विचार अवश्य कर ले। हत्या में कैसा विचार? स्मरण करे असुरराज, एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था, यह आश्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां शिव कृपा से कोई जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हाँ सुरराज, और ये सुंदरी तो वैसे भी शिव का अखंड तप दैत्य गुरु के साथ ही कर रही है। तप खंडित करने वाली अनेक सुंदरियों को मैंने देखा है, वो स्वयं बैठकर तप नहीं करती हैं सुरराज। संभवतः तुम ठीक कह रहे हो विक्टासुर, किंतु ध्यान रहे भविष्य में घटने वाली हर घटना की सूचना मुझ तक पहुंचती रहे। जो आज्ञा असुरराज। Thank you.
हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। प्रणाम प्रभु। हे कृपानिधान, हे शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी भक्ति पुनः प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हो गया भोलेनाथ। आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। शुक्राचार्य, तुम्हारी एक निष्ठ और अखंड तपस्या से हम प्रसन्न हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भोलेनाथ, आपके अलौकिक स्वरूप के दर्शन के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भोलेनाथ, अब आप मुझे अपनी अमिट भक्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारे तर्क संगत उत्तर से हम प्रसन्न हुए शुक्राचार्य। वृत संजीवनी विद्या के सिद्धि के अतिरिक्त हम तुम्हें प्रजेश, धनेश एवं अवध्य का वरदान देने के साथ ही अपनी अमिट भक्ति प्रदान करते हैं। तुम दैत्य गुरु के रूप में अमर कीर्तिवान बनोगे। भोलेनाथ, दया के सागर, कृपा निधान, तुम्हारा कल्याण। चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। सुमुखी, तुम्हारी समर्पण भावना से मैं प्रसन्न हूं। मैं इसी क्षण अग्नि के सम्मुख तुम्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, आपको परोक्ष साक्षी मानकर अग्नि के सम्मुख मैं इंद्र की पुत्री जयंती को अपनी धर्मपति स्वीकार करते हैं। हे शिव शंकर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मैं इंद्रपुत्री जयंती अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हमें आशीर्वाद दे दीजिए।